जैसे जैसे समय गुजर रहा है, टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा एडवांस होती जा रही है। 4G नेटवर्क्स के बाद अब सभी को भारत में 5G नेटवर्क का इंतजार है। वहीं इस इंतजार के बीच देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में से एक भारतीय एयरटेल ने 5G रेडी नेटवर्क की घोषणा की है। भारतीय एयरटेल सस्ते टैरिफ प्लान और सब्सक्राइबर्स की दौड़ में भले ही जियो से पीछे रहा हो, लेकिन 5G की दौड़ में उसने बाजी मार ली है। एयरटेल ने हैदराबाद में कमर्शियल नेटवर्क पर लाइव 5G सर्विस का परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। कंपनी ने इसका लाइव डेमो वीडियो भी ट्विटर पर जारी किया है। एयरटेल ने ये परीक्षण अपने लिबरलाइज स्पेक्ट्रम को 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क तकनीक के माध्यम से किया है। एयरटेल के मुताबिक 4G की तुलना में 5G पर 10 गुना ज्यादा स्पीड मिलेगी। ऐसा करने वाली एयरटेल देश की पहली टेलीकॉम कंपनी बन गई है। आपको बता दें कि हैदराबाद में टेस्टिंग के दौरान 5G यूजर्स फोन पर कुछ सेकंड में ही पूरी फिल्म डाउनलोड कर पाए। एयरटेल को अब इस सेवा को शुरू करने के लिए सरकार की मंजूरी का इंतजार है। कंपनी के मुताबिक कस्टमर तक 5G टेक्नोलॉजी तब उपलब्ध होगी जब पर्याप्त स्पेक्ट्रम के साथ साथ सरकार की अनुमति मिल जाएगी। 5G नेटवर्क को सफल बनाने के लिए एयरटेल ने अपने पार्टनर एरिक्सन के साथ मिलकर काम किया है। कंपनी का दावा है कि उसके पास मौजूद स्पेक्ट्रम पर मिड बैंड में 5G नेटवर्क को चलाने की कैपेसिटी है और कंपनी 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज और 2300 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ 800 मेगाहर्ट्ज और 900 मेगाहर्ट्ज पर अवेलेबल सब गीगाहर्ट्ज बैंड पर 5G नेटवर्क उपलब्ध करवा सकती है। भारतीय एयरटेल के MD और CEO गोपाल विट्ठल ने कहा, मुझे अपने इंजीनियर्स पर गर्व है। उन्होंने हैदराबाद में इस तकनीक का सफल प्रदर्शन किया है। हैदराबाद में यह टेस्ट गेम चेंजिंग साबित हुआ है। एयरटेल इस क्षमता को प्रदर्शित करने वाला पहला ऑपरेटर बन गया है। भारत में 5G इनोवेशन के लिए ग्लोबल सेंटर बनने की क्षमता है। आपको बता दें कि एयरटेल 5G भारतीयों के लिए नया एक्सपीरियंस होगा, लेकिन जो नेटवर्क कई इलाकों में 4G पर भी इतनी स्लो स्पीड देता है, उसके 5G स्पीड से कस्टमर्स का कितना फायदा होगा वो देखने वाली बात होगी।